हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज मैटर है। हमारा सेल फोन, हमारा कंप्यूटर, द एयर वी ब्रेथ, हमारा लंच, इवन हम इंसान भी मैटर से मिलकर बने हैं। मगर कभी आपने सोचा ये मैटर कैसे बना होगा? तो आए डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैटर। मैटर कंपोज होता है डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स से, और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हम डिस्कस करेंगे। पहला कंपोनेंट या बिल्डिंग ब्लॉक है एटम। एटम जो है वो मिलकर बनता है टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स। टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स हम कहते हैं एटम को। मैटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड एटम, और मिलियंस ऑफ मिलियंस एटम मिलकर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बनाना है हमारे इरेजर जो हम स्कूल में यूज करते हैं, तो उसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस एटम होंगे। अगर हम बात करें पेंसिल की, तो उसमें बिलियंस ऑफ बिलियंस एटम होंगे। दूसरा कंपोनेंट या बिल्डिंग ब्लॉक है एलिमेंट। वो सब्सटेंस जो कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो, उनकी साइज शेप हो, उनकी साइज सेम हो, उनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर वगैरह सब कुछ सेम हो, उस तरह के एटम, सेम तरह के एटम्स मिलकर अगर कोई सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट। कंपाउंड हमारा तीसरा कंपोनेंट या बिल्डिंग ब्लॉक है, जो कि कैसे बनता है, जो बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो बनाते हैं कंपाउंड। और लास्ट हमारा जो कंपोनेंट या बिल्डिंग ब्लॉक है वो है मिक्सचर। बेसिकली मिक्सचर जो है वो बनता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स जब मिलते हैं तो मिक्सचर बनता है, लेकिन वो फिजिकली कंबाइन होते हैं लेकिन केमिकली कंबाइन नहीं होते। इस बात को मैं रिपीट कर दूं कि वो मटेरियल ये जो कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंपाउंड से मिलकर बना हो, जो कि केमिकली कंबाइन ना हो, फिजिकली कंबाइन हो, उससे हम कहते हैं मिक्सचर।